का निर्देश इसी बात को ध्यान में रखते हुए मनपसंद रचना आपके समक्ष सुनाने के लिए जा रहा हूँ और ऐसी कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ जो राम सत्ता के मंचों पर कम सुनने को मिलती है। ऐसी कथाएं हनुमान जी की बाल लीला पर आधारित ये कथा है। जय हो। एक समय वानर राज केसरी को खर और दूषण बंदी बना लेते हैं। क्या बात। और उसी समय माता अंजनी शिवजी की पूजा करने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। और इधर खर और दूषण मामा मारीच को जामवंत बनाकर वानर राज केसरी के राजमहलों में भेजते हैं और कहा कि तुम जाओ जामवंत का भेष बनाकर और जैसा भी हो सके वानर राज केसरी के राजमहल को तहस नहस कर दो, वहां पर रहने वाले सभी को मार डालो। तो देखिए किस तरह से खरदूषण के भेजे हुए मारीच जामवंत का भेष बनाकर वानर राज केसरी के राजमहलों में सुमेरु पर्वत पर जाते हैं। कोई उन्हें पहचान नहीं सका, सभी कहने लगे कि ये तो जामवंत जी ही है, कोई पहचान नहीं पाया। किंतु उसी समय वहां पर हनुमान जी बाल रूप में थे। हनुमान जी आते हैं, अपने दिव्य दृष्टि से पहचान जाते हैं कि ये कौन है। यही कथा विस्तार पूर्वक सुनिए, देखिए क्या होता है। दुनिया में सबसे बड़ा खराब है, रास्ता बना लेती वो जहरीली शराब है, जिसकी मौत आती है वो करता है उल्टे काम, दुनिया में कभी उसे मिले ना। देखिए हेलो हेलो, हाँ कृपया शांति बना रखे। हेलो हेलो हेलो, हाँ कृपया शांति बना रखे। हेलो, सभी भक्तों से निवेदन है यथावत अपनी जगह बनाकर बैठ जावें, कुछ अहित नहीं हुआ है, ये तो हनुमान जी की कृपा है कि सभी लोग बाल बाल बच गए हैं। जहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं, वहाँ अहित किसी का भी नहीं हो सकता है। सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ जावें। ऐसी स्थितियाँ कई जगह बन जाती हैं, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। आप हनुमान जी पर भरोसा रखें, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा और किसी का कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। सभी भक्तों से निवेदन है अपनी अपनी जगह बनाकर बैठ जावें। हेलो, हाँ कृपया शांति बना रखे, अपने अपनी जगह में बैठ जाए। हेलो हेलो, कृपया शांति बना रखे और अपने अपनी जगह बैठ जाए। और रोड रोड में कोई नहीं बैठा भाई, रोड क्लियर कर ले। हेलो,
रोड को रोड में ना बैठे भैया। हेलो मोटरसाइकिल वाली से मेरा गुजारिश है कि आप रोड पे गाड़ी ना खड़ा करें। हेलो रोड को क्लियर करें। हेलो 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 कोई दिक्कत नहीं। हेलो जनता जनार्दन से पुनः निवेदन है कि आप रोड जाम ना करें और अपना 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 स्थान आकर ग्रहण करें। मैं सभी जनता जनार्दन से निवेदन चाहूंगा कि अपने अपने स्थान ग्रहण करें और ये रोड पे जो गाड़ियां खड़ी है ये सभी भाई मेरे भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि कृपा करके उधर स्कूल ग्राउंड पर खड़ी करें ताकि आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद। हेलो तो देखिए मारीच जामवन का भेष बनाते हैं और सुमेरु पर्वत की ओर राजा केसरी के राज महलों की ओर जा रहे हैं और मन में क्या विचार आ रहा है क्या? कह रहे हैं क्या क्या हमारे चिची डोल वाले आदरणीय श्री बाबूजी कासदे आपकी ओर से 51 रुपए की राशि आई है। हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहना है मारीच किस तरह से कपल जाल फैलाने के लिए राजमहलों की ओर जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? वो सारी मनसा को पूरी करे कहा क्या वो सारी मनसा को पूरी करे राजमहलों में जाके रहे आज हमारे साथ में हमारे पुराने चावल भी है। ये तो सभी को देखना है कि ये वास्तव में फार होते हैं कि नहीं। हेलो हेलो कहना है क्या वो सारी मनसा को पूरी करे राजमहलों में जाके देश अंजल को ऐसे मिटाएंगे हम देंगे
सारी मनसा को पूरी करेंगे राजमहलों में जाके हुआ वही मारीच जामवंत का भेष बनाकर वानरराज केसरी के राजमहलों में प्रवेश कर जाते हैं। और हम आप सभी जानते हैं जब कोई पहली बार किसी के घर में घुसता है तो पहले वो इधर उधर तांग झांक करता है कि वास्तव में इस घर में कौन कौन रहता है, कहां कहां क्या चीजें रखी है। उसी स्थिति को देखकर बालक हनुमान जी मारीच को पहचान जाते हैं। किस तरह से झांक रहे हैं क्या? अरे इधर वो उधर, 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 अरे घुस गयो भीतर रे, इधर वो उधर, इधर वो उधर, इधर वो उधर, इधर वो उधर, अरे घुस गयो भीतर रे। क्या हुआ? क्या घुस गयो भीतर रे, असुरवा जो महलों के भीतर रे, घुस गयो भीतर रे, असुरवा जो महलों के भीतर रे, घुस गयो भीतर रे, असुरवा जो महलों के भीतर रे, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर, गयो भीतर रे, असुरवा जो महलों के भीतर रे, घुस गयो भीतर रे, असुरवा जो महलों के भीतर रे, घुस गयो भीतर रे, असुरवा जो महलों के भीतर रे। क्या होता है? और अपनी माया से मारीच राज महलों में सभी को उलझाए हुए रहते हैं। बाल हनुमान जी के अलावा हनुमान मारीच को कोई पहचान नहीं पाया कि वास्तव में ये जामवंत है कि और कोई असुर राक्षस है। क्या बात है? श्रीमान शंकरलाल जी मवा से छिमड़ी वाले आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। और 101 रुपए की राशि परम आदरणीय हमारे बालकिशन उइके जी ग्राम पंचायत गुवाणी के सरपंच महोदय आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। और उनका कहना हमारे सोलंकी जनान जैसा कि पुराना चावल बोले फार होता जरा धीरे भैया, पुराना चावल किस तरह से फार होता, हमारे सोलंकी जनाब के रूप में आप एक राउंड देखेंगे, हमारे सरपंच महोदय की इच्छा है। और हमारे श्रीमान झोलन जी पर के भूमिका ढाना आपकी ओर से भी 101 रुपए की राशि आई है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और 51 रुपए की राशि हमारे परम आदरणीय श्री राम सिंह जी बारस कर
WCL सारणी वाले ग्राम सिमड़ी आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हम आपसे भी आशीर्वाद की कामना करते हुए और कहना है क्या, अब इस भजन में ज्यादा डांस करेंगे क्योंकि ये भजन उनसे मिलता जुड़ता हुआ है। वैसे कहते हैं कि नाचता कौन है, कहते हैं कि जो नकता होता है वो नाचता है, और इसमें बात भी है, गाते कौन है, क्या बात है, जो ढीठ होते बोले वो गाते हैं। तो देखिए हमारे सोलंकी जनाब डांस करेंगे और कहना है क्या। हनुमान जी मन ही मन मारीच को पहचान लेते हैं, कहा कि दुष्ट रुक तो सही, मैं तुझे बताता हूँ क्या बात कि कपट करने से क्या होता है। क्या कहा, बड़े ढीठ लगते हो, बड़े ढीठ लगते हो, माया भी दिखते हो, बड़े ढीठ लगते हो। रुक मैं तुझे बताता हूँ, कहना है क्या, तो बड़े ढीठ लगते हो, माया भी दिखते हो। ₹51 की राशि आदरणीय भाई साहब हमारे श्री फूल सिंह जी हमारे दौड़ी वाले आपकी ओर से, ₹21 की राशि श्रीमान बबलू जी परते मरदानपुर वाले आपकी ओर से, और श्रीमान महेश्वर जी बारेश्वर आपकी ओर से ₹51 की राशि, और ₹51 की राशि हमारे आदरणीय भाई साहब श्री राम स्वरूप जी बारेश्वर छिमड़ी वाले आपकी ओर से भी ₹51 की राशि इनायत होती है, जो इस समय कुशल मंच संचालन का काम कर रहे हैं। आपकी ओर से सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहना है, हनुमान जी कह रहे हैं क्या कि दुष्ट असुर कहा क्या कि बनी बनाई सब कहे,
कहा क्या कि बनी बनाई सब कहे बहना के कहना मुश्किल है। अरे दुष्ट अगर मेरे जैसों से पाला पड़ गया तो फिर कमा के खाना मुश्किल है। मैं तुझे देखता हूँ वीर हनुमान जी, मन ही मन में कह रहे हैं अगर मैं सभी के सामने इस असुर को अगर मारता हूँ तो इसकी बोल खुल जाएगी कि राजमहलों में भी ऐसा भी होता है। देखिए हनुमान जी अपनी लीला रच रहे हैं। क्या बड़े ढीठ लगते हो, वो बड़े ऊंचे दिखते हो, आखर नहीं माने, कहा कि दुष्ट तूने अपराध किया है, मैं तुझे तेरे कर्म काम पे जो सोचकर आया मैं तुझे सफल नहीं होने दूंगा। क्या बात, क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो, शिव ज्योति सरगम भजन मंडल भैवाड़ी मंच के सभी बजाए, श्री शिव ज्योति सरगम भजन मंडल भैवाड़ी मंच के सभी बजाए। अरे दिखता यहाँ बेईमानी चेहरा, दिखता यहाँ बेईमानी चेहरा, अरे इसका असर परिवार में चेहरा, अरे आ गए हैं लीलाधारी वो, अरे हनुमाना 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 को तुमने कैद करके रखा हुआ है, आज अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। क्या बात, क्या कहा?
हेलो शिव ज्योति सरगम भजन मंडल भैवाड़ी मंच के समीप आजा। इस मंडल का समय 2 मिनट शेष रह गया है। श्री शिव ज्योति सरगम भजन मंडल भैवाड़ी मंच के समीप आजा। इस मंडल का समय 2 मिनट शेष रह गया है। श्री शिव ज्योति सरगम भजन मंडल भैवाड़ी। देखिए हनुमान जी मारीच को राजमहलों से बाहर ले आते हैं और दोनों में संग्राम छिड़ जाता है। हनुमान जी कहते हैं कि दुष्ट आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। क्या कह रहे हैं? हेलो शिव ज्योति सरगम भजन मंडल भैवाड़ी मंच के समीप बजा भैया। शिव ज्योति सरगम भजन मंडल भैवाड़ी कहा क्या? तू तो जान से गया 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 बेईमान तू गया गया गया। तू तो जान से गया 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 बेईमान से गया गया गया। तू तो जान से गया कि अब तुम्हारे मौत की घंटी बज गई है। अब तुम्हारे मंत्रीगण कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या कहा? क्या? अरे बज गई तेरी घंटी। कुछ न करेंगे अब तेरे मंत्री। इस तरह से हनुमान जी मारीच को सजा देते हैं।